जी सर, पूछेंगे कितने चलना जी सर, बताएंगे जी सर क्या पूरा मामला है। थाना बड़गांव पुलिस ने कितनी नकली करेंसी पकड़ी है, किस तरीके से लोग काम करते हैं? देखिए, कल रात्रि थाना बड़गांव पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुछ काउंटरफीट करेंसी नकली नोट बरामद किए गए। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति रवि है वो लक्सर थाने में, उसका कमरा है लक्सर थाना क्षेत्र में हरिद्वार, वहां पर उसने कमरा लेकर जो नकली नोट बनाने के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कटर है, 90 GSM के पेपर पे ये लोग कल स्कैन करके जो है नकली नोट बनाते थे, वहाँ पे ये काम करते हैं। तो इनकी निशानदेही पर पुलिस जब इनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ से प्रिंटर, कटर और कुछ अधबने नोट भी बरामद हुए हैं। तो टोटल 51,750 रुपये बने प्लस अधबने काउंटरफीट नोट्स पुलिस ने गिरफ्त बरामद किए हैं। और ये दो व्यक्ति हैं जिसमें रवि मेनली बनाने का काम करता था, और इसका जो साड़ू भाई है जसवंत, ये और रवि मिलकर भीड़ भाड़ वाले इलाके पे हरिद्वार के आसपास और थाना बड़गांव में इसको चला रहे थे। कल जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये जानकारी मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। सर कितनी क्वालिफिकेशन है इन लोगों की, क्योंकि आम आदमी नहीं बना पाएगा इसको, कितनी क्वालिफिकेशन है और कहाँ से ट्रेंड हुआ, क्या कुछ बताया? जी, इसमें जो रवि है, जो मुख्य अभियुक्त है, वो 8वीं तक पढ़ा हुआ है, और जो दूसरा अभियुक्त है जसवंत, वो अनपढ़ है। ये नोट बनाने के लिए ये सिक्योरिटी फीचर्स कुछ भी उसमें नहीं डालते थे, जैसे सिक्योरिटी थ्रेड उसमें नहीं डाला था, ये सिर्फ स्कैन करके उसका कलर प्रिंट ले लेते थे और बड़ी सफाई से उसको बोथ साइड प्रिंट करके कट करते थे, और इसमें 90 GSM का पेपर भी यूज करते थे जिससे इसका थिकनेस असली नोट के करीब आ सके। बट कल बड़गांव पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनके बने प्लस अधबने नोट भी कब्जे में लिए हैं, और इनको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। जी, इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये करीब 15-20 दिन से ही इस कार्य को कर रहे हैं, और बहुत छोटी मात्रा में इन्होंने नोट अभी चलाए हैं, करीब 5-7 हज़ार रुपए, और ये इनका प्लान था कि इसी तरह थोड़े थोड़े नोट जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलाएं जिससे इन पर शक ना हो। बट ये कल दोनों गिरफ्तार हुए और आज ये जी इन पे कोई अभी तक आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है, और इसकी और भी जानकारी कर रहे हैं बाकी थाना से और बाकी जनपदों से। जी, अब ये जो है स्कैन करके इन्होंने प्रिंट लिया है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्होंने नहीं है, ये बहुत ही एक नौसिखिया तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश की है जिसमें ये असफल रहे और कल गिरफ्तार हुए। सर पेपर किस तरह का यूज किया गया है? ये 90 GSM का पेपर यूज किया गया। ठीक है, नंबर एक ही होते होंगे सर। ठीक है। हाँ, हो जा रहा हूँ यार मोबाइल।